दोस्तों नमस्कार मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्च आज कई दिनों तो बाद मैं आपको फिर से यूपी का हाल बताने जा रहा हूं आज यूपी की राजनीति गर्माई हुई है दो बयान आ जाए हैं इंडिया में प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के लिए एक दिल्ली से आया जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने देना इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन फिर बयान आता है समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की काफ़ी करीबी धीर गंभीर और हमेशा नाप तौल कर बोलने वाले जोई सिंह का बयान और जोई सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए चर्चा पिछले दो तीन दिन से चल रही थी इसके पहले सपा के एक प्रवक्ता उन्होंने भी कहा था इंडिया गठबंधन में ने कई नेता प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार हो सकते अखिलेश यादव का जिक्र किया अब अखिलेश यादव का जिक्र जो किया गया एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है देखिए लोकसभा का जो चुनाव है वो यूपी बिहार में मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है मंडल मतलब भाजपा धार्मिक आधार पर इस चुनाव को जीतना चाहती है भाजपा चाहती है कि वो अपनी सारी असफलताओं को हटा के राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएगी बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे चल रहा है उसको मुद्दा बना के वो ये चाहती है कि बेरोजगारी और महंगाई से बचा जाए और फिर ध्रुवीकरण कराया जाए जो दो हजार चौदह दो हजार उन्नीस में सफल हो गया जाए लेकिन अखिलेश यादव ने इस ध्रुवीकरण के खिलाफ लगातार काम किया और 2022 के चुनाव में पहली बार सफलता मिली जब समाजवादी पार्टी गठबंधन ने लगभग सैंतीस सैंतीस परसेंट वोट विधानसभा में प्राप्त किया था और भाजपा और उनके बीच का अब तक चार से पाँच परसेंट का था भाजपा गठबंधन का बयालीस तैंतालीस परसेंट था और सपा गठबंधन का सैंतीस परसेंट के वोट था अब आप कह सकते हैं कि भैया उसमें से ओम प्रकाश राजभ तो चले गए उसके सब पाच के भाजपा के साथ तो देखिए राजभर वोट जो है उत्तर प्रदेश में उनका जो टोटल है वो एक परसेंट से ज्यादा नहीं है चाहे राजभर जी बड़ी बड़ी बातें करें और उनका प्रभाव कुछ लोकसभा सीटों तक ही सीमित है राजभर अपने आप में इतना बड़ा सेंट नहीं है वोटों का कि राजभर वोटों के बदौलत कोई एक लोकसभा सीटें जीती जा सकती है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो के चुनाव में भी वैसे तो ओम प्रकाश राजभ योगी सरकार में मंत्री थे लेकिन फिर भी उन्होंने कई जगह अपने कैंडिडेट उतारे थे और वो भाजपा को जीतने से नहीं रोक पाए थे हो सकता है कुछ जगहों पर उन्होंने सपा बसपा गठबंधन की मदद कर दी हो जहां कम मार्जिन से भाजपा चुनाव हारी थी तो ये एक फैक्टर एक तो ये है कि जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव को अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाता है तो एक शब्द जो बार बार बनेगा मंडल और कमंडल तो कमंडल मंडल कैसे मंडल ने इसको नए तरीके से परिभाषित कर दिया अखिलेश यादव ने पीडीए मंडल तो, तो सिर्फ ओबीसी जातियों की बात करता था लेकिन अखिलेश यादव ने स्ट्रेटिकली एक शब्द का इस्तेमाल किया पीडीए मतलब पिछले दलित और अगड़े सॉरी पिछले दलित और अल्पसंख्यक ये तीनों बने आएंगे और जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो ये जमीन पे भी ये गठबंधन सफल हो गया पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी पाना बहुत मुश्किल है अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कारण ये है कि जब जब पिछड़े दलित तो और अल्पसंख्यक एक हुए हैं तब तब भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर रही है भाजपा में दो बार लोकसभा में बहुमत पाया वो कब पाया 2014 में पाया और 2019 में पाया वो इसलिए पाया कि भाजपा का जो वोट बैंक जो 2014 के आसपास घट के 20 परसेंट तक हो गया था वो अचानक से जब नरेंद्र मोदी आते हैं राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आते हैं और नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसकी ब्रांडिंग की गई कि मोदी जी आएंगे गुजरात मॉडल की बात की गई तो जो सपा बसपा के साथ जुड़ा हुआ ओबीसी वर्ग था उसमें से एक बड़ा चंद टूट के भाजपा के साथ चला गया 2014 में और वो चंद 2022 तक लगभग भाजपा के साथ रहा उसमें से कुछ से अनुमारी भी अभी यादव में 2022 के चुनाव में क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा ने पूर्व बहुमत की सरकार बनाई थी लेकिन दोनों पार्टियों का जो टोटल वोट था वो तीस परसेंट से ज़्यादा नहीं था और इस बार सपा अकेले बत्तीस परसेंट वोट पाई दो वो में और गठबंधन के साथ सैंतीस परसेंट उसमें दो छोटे दल थे एक आर था जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आया था और ओम प्रकाश राय की पार्टी थी प्लस एक अपना दल का मेरावादी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी तो एक ठीक ठाक उन्होंने एक केमिस्ट्री बनाने थी अब उस केमिस्ट्री में से राजभाल जी को तोड़ के भाजपा ले गई तो अगर अब हाँ इस स्ट्रेटी को समझा जाए तो, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक या दो परसेंट वोट है ठीक है लोकसभा चुनाव में जनता बहुत नाराज है और कांग्रेस का ये वोट बैंक बढ़ के चार या पांच परसेंट हो सकता है उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो परसेंट का वोट बैंक बढ़ के अठारह परसेंट पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को संभावित प्रधानमंत्रियों के नाम में भी शामिल कर देता है तो जो सपा का जो कैदर है और सपा पिछले कई सालों से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को एक साथ लाने की लगातार कोशिश कर रही है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है क्योंकि तो अब जो भाजपा का जो बोर वोटर है वो बेसिकली सवर्ण वोटर है जो भाजपा को छोड़ के कभी नहीं गया और इसी ये जो कोर वोटर रहा भाजपा बैरा तो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में इसकी वैल्यू जो होती है वो चौदह पंद्रह से ज्यादा नहीं है बहन जी एक दूसरी कंटेंडर थी ओबीसी और दलित के लिए लेकिन अब आम जनता समझ गई है कि बहन जी जो है मूलता जो कर रही है उसका फायदा भाजपा को ही हो रहा है तो मैं आपको एक बात बताई दो में मोदी जी ने कहा था कि जब आप सपा को वोट देते हैं बसपा को वोट देते हैं तो लोकसभा चुनाव में वोट कांग्रेस के पास चला जाता है सबका की बात भी थी मैं फिर बता दू कहना था कि जब आप सपा को वोट दोगे तो भी वो कांग्रेस को चला जाएगा बसपा को वोट दोगे तो भी वो कांग्रेस को चला जाएगा और आप कांग्रेस से नाराज हो इसलिए आप अपना वोट बर्बाद मत करो ये बार बार उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी ने कहा था नतीजा कह रहा कि पिछड़े वर्ग का और दलितों में भी एक अच्छे खासे सेगमेंट का वोट मोदी जी के पास चलाया क्योंकि जनता उस वक्त कांग्रेस से नाराज थी और मोदी को लगा कि मोदी देश को एक बड़ा मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं गुजरात मॉडल का अपना प्रचार किया गया था पर एक उग्र हिंदूवादी चेहरा तो था ही मोदी के पास तो उसका फायदा मिला और जो लोग कांग्रेस से नाराज थे उन सब लोगों ने बजा सपा बसपा को वोट करने के भले वो सपा बसपा के समर्थक थे अगर विधानसभा चुनाव की बात होती तो सब लोग तो सपा बसपा को वोट देते लेकिन उन्होंने बस 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया अब वही एसटी अखिलेश यादव को आगे करके अगर कांग्रेस करती है तो जितने भी लोग मोदी जी से नाराज हैं उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा डर है जो मत, जिसके पास पहली बात तो पूरे उत्तर प्रदेश की अस्सी लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत कैडर है हर बूथ पे उसके पास वर्कर है कांग्रेस के पास कैडर नहीं है तो अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी को ऑल्टरनेटिव के रूप में यह प्रचारित भी किया जाता है कि अवलेष यादव भी संभावित प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो इसका डाउन द दा लाइन बड़ा मैसेज जाएगा क्योंकि जो जो आदमी नाराज है नरेंद्र मोदी से या योगी के सात छह साढ़े छह साल के शासन से वो जाके समाजवादी पार्टी पे वो मोर लगाएगा नतीजा क्या हो गया कि सपा जो है लोकसभा चुनाव में एक अच्छी खासी सीटें जीत सकती है और अभी भी जो इंडिया टूडे का सर्वे आया है उसमें दिखाया जा रहा है कि एनडीए को तीन सीटें मिल रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन को बहत्तर सीटें दिख रही हैं और भाजपा दो चीज़ चीज़ पे जा रही है तो आप एन को तभी रोक सकते हैं जब भाजपा को जो अभी वर्तमान में उसके साथ पैंसठ छठ सीटें हैं उससे कटा के उसको 40 या 30 तक लाते हैं या 20 तक लाते हैं है। अगर आप चालीस या 30 तक लेते हैं तो भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं पाएगी पूर्ण बहुमत नहीं पाएगी तो और उनका तीस पैंतीस सीटें कम होंगी तो तीन सौ छः से वो घट के आ जाएंगे दो सौ सत्तर या उसके नीचे आ सकते हैं तो विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है पहली बात, दूसरी बात जो भाजपा के साथ जो के जो गठबंधन के लोग जीतेंगे वो उस वक्त एन छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं तो मुझे लगता है आज जो बयान सोची समझी रणनीति के तहत जोही सिंह के माध्यम से दिया गया है उसका दो है। एक तो ये कि उनका कैदा हुआ है समाजवादी पार्टी का वो उत्साहित रहे उनको लगेगा कि हमारे बीच का एक आदमी जो ईमानदारी से भाजपा के की जो भाजपा की जो राजनीति उसके खिलाफ पिछले नौ साल से उत्तर प्रदेश में मजबूती से ले रहा है अब मैं एक बात और कहूँगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले नौ साल से ज़मीन पे सिर्फ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ तो बहुत लोगों को एतराज हो सकता है पहली बात कि दो में राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने चाहिए था वो वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते हारते या जीतते अमेठी से ही लड़ते दूसरी बात पिछले पाँच सालों में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में ध्यान एकदम नहीं दिया है कई लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी देख रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है बहन जी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है नहीं आ रही है लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो जितने भी लोग मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो मैं फिर आता हूँ इंडिया टूडे कैसे फिर इंडिया टूडे ने एक सर्वे किया है कि कौन सा मुख्यमंत्री राज्य में कितने ज़्यादा लोकप्रिय है तो चूंकि बाकी बा, दा, मुख्यमंत्री अपने अपने गृह राज्य में साठ परसेंट ज्यादा जनता के नीचे लोकप्रिय हैं लेकिन योगी जी पचास से काफी कम परसेंटेज तक लोकप्रिय है और दो हजार बाईस की भी बात माने तो संतावन अंठावन परसेंट लोग योगी जी को तो बारह मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे इसीलिए भाजपा को सिर्फ तिरालीस परसेंट वोट मिला था तो अब जो सत्तावन परसेंट लोग नाराज है मोदी योगी से वो खुल के अखिलेश जी के पक्ष में आएंगे सपा और गठबंधन को वोट देंगे और सपा का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर सकता है और 40 से 50 सीटें गठबंधन जीत सकता है और आज का बैरस का रोक सकता है आज के लिए बस इतना ही कल एक फिर एक नई खबर लेके आपके साथ आऊँगा आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे इस न्यूज़ लॉन्चे चैनल को सब्सक्राइब करें हम कोशिश करेंगे आपस से लेकर लोकसभा चुनाव तक हम आपको उत्तर प्रदेश की घटनाओं पे सही जानकारी देने का प्रयास लगातार करते रहेंगे नमस्कार